गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी आकांक्षा भाग 8 का पाठ 10 मातृभूमि का बेटे अभ्यास भाषा कौशल जो व्याकरण पर आधारित है, जिसे तुम लैंग्वेज स्किल कहते हो, करेंगे। इसको ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और फिर अपनी बुक में ही भरना। अभ्यास कै कै गै गै। तो कल हमने अभ्यास राइटिंग स्किल लेखन कौशल किया था, तो आज हम लैंग्वेज स्किल भाषा कौशल जो व्याकरण पर आधारित है करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले है संधि। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो उनकी निकटवर्ती ध्वनियों में विकार या दोष आ जाता है, इसी विकार को संधि कहते हैं। जैसे शस्त्र प्लस आगार शस्त्रागार, सु प्लस अच स्वच, विच्छेद। संधि से बने शब्दों को उनकी पहले वाली स्थिति में लाना विच्छेद कहलाता है। जैसे सूर्योदय सूर्य प्लस उदय सूर्य उदय, अस्ताचल अस्त प्लस अचल अस्ताचल। तो आइए अब हम अभ्यास क्या करते हैं। निम्नलिखित शब्दों का संधि या संधि विच्छेद कीजिए। तो देवाले देव प्लस आले, प्रत्युपकार प्रति प्लस उपकार, महर्षि महा प्लस ऋषि, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, नव प्लस उदय नवोदय। तो अब अभ्यास है, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। बल का बलवान, निमित व्यायाम हमें बलवान बनाता है, सुख सुखी, काश संसार में सभी सुखी होते, दे दैहिक, सबको दैहिक सुख की लालसा बढ़ती जा रही है, समय सामयिक, हमें सामयिक घटनाओं से सजग रहना चाहिए। तो अभ्यास गैर निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पृथ्वी भू भूमि, धरती भगवान ईश्वर प्रभु परमेश्वर, तीसरा भव जगत संसार, चौथा अचल शैल नग पहाड़, ये सब अचल के हैं। तो अभ्यास गह निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द। विलोम तुम्हें पता ही है, जो विपरीतार्थक शब्द भी जिसे हम कहते हैं। पहला पूर्वज, पूर्वज होता है पीछे वाले, तो इसका आएगा अग्रज आने वाले। सेकंड मृत्यु जन्म, थर्ड अंत आदि, चौथा उपकार अपकार। इस प्रकार बेटे हमारा व्याकरण स्किल ये लैंग्वेज स्किल अभ्यास के साथ साथ ये हमारा पाठ भी समाप्त हुआ। अब इस व्याकरण पर आधारित भाषा लेखन यानी लैंग्वेज स्किल को अपने बुक पेज नंबर 63 और 64 में भरना, मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।